बैक टू चैनल गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, मैं आ गया हूँ उत्तराखंड में। सो पहले मैं गया था जिम कॉर्बेट, जैसे कि आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी। वहाँ से हम आ गए हैं मरचुला नाम से एक और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर। सो गाइज, वहाँ पर हम आए हैं जो जिम कॉर्बेट पूरा ही नेशनल पार्क है उसके अंदर। ये है वन नाम से यहाँ पर एक और रिजॉर्ट है। और गाइस, इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये जंगल के अंदर पूरा रिजॉर्ट है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा ही जंगल है और जंगल के अंदर ये पूरा ही फेंसिंग करने के बाद यहाँ पर ये बनाया हुआ। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरी ही फेंसिंग की हुई है यहाँ पर। और अभी जो है हम लोग इसके अंदर रहने वाले हैं, आज पूरा नाइट स्टे हम लोग यहीं पर करेंगे। सो गाइस, जो यहाँ के जो जितने भी लोग हैं वो इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कल रात को ही एक टाइग्रस दिखी थी और साथ ही साथ तीन उसके बच्चे यहाँ पर दिखे थे। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर स्टे करने वाले हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना पूरा ही ये होटल जो है पूरा मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ और इसका आपको नाम भी बताऊँगा और सब कुछ मैं आपको सारा बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो गाइज, आप देख सकते हो ये है इसकी एंट्रेंस। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो आप, ये है इसकी पूरी ही फेंसिंग की हुई है, ये पूरा ही जंगल है ऊपर तक। जंगल के बीचों बीच ये होटल है। चलिए अब चलते हैं अंदर और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, ये है एंट्रेंस। और गाइज, सामने है ये किचन जो आप सामने आपको दिख रहा है। सो गाइज, आप देख सकते हो पूरा ही जंगल है और जंगल के अंदर ये यहाँ पर रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं। सो अगर मैं आपको लेफ्ट साइड में दिखाऊं तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि रूम्स वगैरह किस टाइप के हैं। ये मड के जो हैं घर बनाए हुए हैं, रूम्स मड के बने हुए हैं और इसके अंदर स्टे है। जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये बिल्कुल कच्चे घर बनाए हुए हैं जिसके अंदर यहाँ पर स्टे आपको मिल जाता है। सो गाइज, अगर आपको रियल एडवेंचर लेना हो तो यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल के अंदर है और यहाँ पर जो है मूवमेंट्स वगैरह बहुत ही जानवरों की देखने को आपको मिल जाती है। तो थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ ये होटल, ये है किचन। सो गाइज, अभी मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ इस होटल की। बहुत ही बड़ा ये होटल है और इसने इसका बहुत ज़्यादा एरिया कवर्ड है पूरा ही ग्रीनरी से, क्योंकि ये पूरा जंगल के अंदर है। सो गाइज, ये है लॉन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइज़, आप जो यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में देख रहे हो, यहाँ पर जो है सबके बैठने के लिए बनाया हुआ है कि अगर आपको थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट वगैरह करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। और एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सोलर से यहाँ पर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। हर रूम के अंदर आपको लालटेन मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सामने ही लालटेन रखी हुई है वहाँ पर। सो गाइज, जो इस होटल का नाम है वो है वन घाट। अगर आप यहाँ पर कभी भी जिम कॉर्बेट आते हो तो मरचुला के अंदर यह वन घाट, यहाँ पर आकर आप ज़रूर स्टे लेना। यहाँ पर आपको रियल लाइफ एडवेंचर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको मूवमेंट्स मिल जाएंगी सारे एनिमल्स की। सो बेसिकली जो है यहाँ पर डियर, एलिफेंट और जो टाइगर है और लेपर्ड, इनकी मूवमेंट्स बाहर की साइड देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाती है। सो गाइज, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ के जो चार्जेस हैं
वो थोड़ा सा कॉस्टली है चार्जेस, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली है, रीज़न बीइंग कि ये जंगल के अंदर ही ये रिजॉर्ट है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है, वो भी सोलर के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। सो गाइज यहाँ पर आप देखो पूरा ही जंगल के अंदर है, पूरा अच्छा आपको व्यू यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो अभी। सो गाइज इसके अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो चार्जेस हैं, एक रूम के चार्जेस हैं यहाँ पर आपके 7,000 रुपीज़, और वो वेरी करता है कि कितने आपके साथ लोग हैं। सो ये जो चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ 7,000 रुपीज़ है। सो हम लोग आए हैं 5+1, तो हमारे जो चार्जेस हैं वो हैं यहाँ पर 13,000 रुपीज़ है, विद लंच ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ ही चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ। सो चलते हैं आगे, मैं आपको अभी और चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाती है बुद्धा की स्टैचू, आपको यहाँ पर मिल जाता है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी अच्छे ग्रीनरी आपको मिल जाती है। अगर मैं ऊपर की साइड आपको दिखाऊं तो पूरा जंगल है आसपास, पूरा कोई नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर यहाँ पर एक भी होटल नहीं मिल जाता, नहीं मिलता आपको, ये बिल्कुल एक ही होटल है। तो रीज़न बीइंग कि यहाँ पर जब ये जिम कॉर्बेट का जो एरिया है वो डिवाइड हुआ था, तब इन लोगों की यहाँ पर लैंड था, इसलिए इनको यहाँ पर ज़मीन मिल गई है, वरना यहाँ पर और किसी को होटल नहीं मिला। ये है यहाँ पर वॉशरूम जो कि कोई भी यहाँ पर यूज़ कर सकता है। और अभी मैं आपको अपना रूम भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको और ट्रैक वगैरह दिखा देता हूँ। सो गाइज ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये भी सिर्फ बैठने के लिए बनाया हुआ है, और यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो कि टी कितने बजे मिलेगी, लंच डिनर स्नैक्स वगैरह कितने बजे मिलेगा। सो यहाँ पर अभी बॉन फायर भी होगी, वो शाम को होगी, सो उसकी भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना लूँ। और गाइज ये दूर दूर तक इस रिजॉर्ट के अंदर जंगल है, और यहाँ पर फेंसिंग हर जगह की हुई है। और गाइस ये देखो, ये है ऊपर वॉच टावर, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये वॉच टावर है, जिससे कि आप ऊपर चढ़कर सब कुछ देख सकते हो दूर तक का। सो गाइस अब चलते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना रूम। सो गाइस ये है रूम, आप बाहर से देख सकते हो। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हमारा रूम, और जो ऊपर रूफ है वो बिल्कुल कच्ची है। सो इस तरह का आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कभी आपको जिम कॉर्बेट आना हो तो इस रिज़ॉर्ट में ज़रूर विज़िट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।